हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एलविश यादव की। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एलविश यादव अब की बार रूडीज 20 में ऐसा गैंग लीडर आने वाले हैं। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि दिल्ली में ऑडिशन रखे गए थे रूडीज के लिए, और वहां पे एलविश यादव के फैन इतने ज्यादा आ गए कि क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और तोड़ सा वहां पे सिस्टम सिस्टम चलाने लग गए। तो आप देखिए कि एलविश यादव ने उन सबसे क्या कहा। और दोस्तों, इसी इवेंट में एलविश यादव ने प्रिंस नरूला को चैलेंज कर दिया। एलविश यादव ने कह दिया कि प्रिंस भाई, अब की बारी ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊंगा। पर दोस्तों, प्रिंस नरूला ने भी इस पे सेवरेज रिप्लाई देते हुए ये कहा कि भाई, जब तू स्कूल में था ना, तब भी हम ये शो होस्ट कर रहे थे। तो पूरी वीडियो क्या है जरा देखिए। और तो और दोस्तों, एलविश यादव को आज पंजाब यूनिवर्सिटी जाना था। वो थोड़ा लेट हो गए जाने में, पर वो गए जरूर। और आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। आप जरा देखिए पूरी वीडियो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारा मिलना आप लोगों से बहुत टाइम बाद। लव यू गाइस, लव यू। आज बहुत सारे सरप्राइज है, वो भी होने वाला लोग बताओ बाकी कैसे हो भाई सारे। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की। तो दोस्तों, पुनीत सुपरस्टार और धाराभाई जोगिंदर बहुत अच्छे दोस्त है। पर दोस्तों, अभी रिसेंटली पुनीत सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर धाराभाई जोगिंदर के अगेंस्ट एक रील अपलोड करी। तो क्या इन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार पड़ गई? आप जरा देखिए पुनीत सुपरस्टार ने क्या कहा जोगिंदर के खिलाफ। बेटा धाराभाई जोगिंदर, जो तूने ये लड़कियों से लूटपाट का धंधा मचा रखा है ना, पुनीत सुपरस्टार तेरा पर्दाफाश करेगा। सवेरे एक एक मीडिया बुलाऊंगा, एक एक न्यूज चैनल को बुलाऊंगा, तेरी हरकत बताऊंगा। तुझे मैं भाई मानता था और तुझे मैं भाई समझता था। तूने मुंबई की लड़की से, तूने करोड़पति खानदान की इन्फ्लुएंसर को लूटने की कोशिश करी, उससे पैसा लूटा, उसके पैसा लूटकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर नई गाड़ी लेकर आया और अपना तूने घर बनवाया, और अब तू उसका चूतिया काट रहा है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। बेटा सुन, शादी तू क्या, तेरा तो बाप भी करेगा। और मेरी बात सुन, तू उस लड़की से माफी मांगेगा और उसका सारा पैसा वापस ही करेगा, और या फिर उससे शादी करेगा। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और मैं उस लड़की को भी एक्सपोज कर रहा हूं, और साले तुझे भी एक्सपोज कर रहा हूं। वो काट ले मेरा जो काट रहा है तुझे, समझ गया? सवेरे मीडिया लेके आऊंगा तेरे घर पे, ध्यान रखियो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फुकरा इंसान और रजत दलाल की। तो दोस्तों, फुकरा इंसान ने रिएक्ट करा रजत दलाल के बिग बॉस में जाने पर,
और उन्होंने कहा कि रजत दलाल को बिग बॉस के घर में नहीं जाना चाहिए था, इससे यूज को गलत मैसेज मिलेगा कि बाहर तुम कितने भी गंदे काम कर लो, क्राइम कर लो, किसी को ठोक दो, मार लो, पीट लो, पर फिर भी तुम बिग बॉस में जा सकते हो, तुम्हें फेम मिलेगा। और तो सुकराम खान का ये भी कहना है कि जब तक रजत दलाल लड़ाई करेगा घर में तब तक ही घर में रहेगा, जब बिग बॉस वालों को लगेगा कि इसमें कोई दम नहीं है तो उसे वो भाग भागे फेंक देंगे। और क्या कहा फुकरा इंसान ने रजत दलाल के बारे में, जरा देखिए। रजत भाई इन बिग बॉस हाउस, दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि रजत भाई तो अंदर जाएंगे जैसे उन पे केस चले, बट बिग बॉस घर के अंदर यार ऐसा नहीं सोचा था मैंने यार, सच में यार ऐसा कैसे हो गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस क्या चाहते हैं, बिग बॉस वॉन्टेड अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, बट डू यू थिंक इट्स राइट कल को ऐसे लोग इंस्पायर होने लगे कि भाई अगर मेरे को किसी रियलिटी शो में आना है तो मैं भी भाई कलेश करूंगा, लोगों से लड़ूंगा, ये करूंगा, फलाना ढिमकाना करूंगा और बिग बॉस में आ जाऊंगा, तो लोगों पे गलत इंप्रेशन तो पड़ेगा। बिग बॉस एक ऐसा गेम है जिसमें उसको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, उनको लेना देना नहीं है कि क्या मैसेज जा रहा है। जब वो दो बीवी वाले भाई को भी ले आए थे, बीवी वाले पति को ले आए थे, फिर तो ठीक है, रजत भाई भी ठीक है भाई, अगर दो बीवी वाले भाई आ सकते तो क्या दिक्कत है, दो बीवी वाले पति आ सकते तो। मैं मेरे को ऐसा लगता है, मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि देखो 3 महीने रहना है रजत भाई को वहां पर, मेरे को ऐसा लगता है हाथापाई हो जाएगी, मतलब आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हाथ ना छूट जाए और रजत भाई को वो यूज करेगा बिग बॉस जब तक उनको कंटेंट नहीं मिलता और टीआरपी नहीं मिलती, जैसे उनको वो सब मिल जाएगा बिग बॉस विल बी लाइक रजत दलाल गेट आउट ऑफ द हाउस, दैट्स हाउ आई फील ये होने वाला है। लेट्स सी बिग बॉस में क्या होता है क्या नहीं, बट रजत भाई इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज व्हाट पीपल थिंक अबाउट।